हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नोबॉयमन और मेरा नाम है अमनदीप। सो दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जो आपको कोई भी यूट्यूब चैनल पे शायद ही देखने को मिले, ठीक है। और है तो बिल्कुल सिंपल सी चीज, बट ये ऐसी चीज है जो शायद जो सर्विस नहीं करते, ठीक है, ऑलमोस्ट 98% जो खुद सर्विस नहीं करते अपने साइकिल को, तो वो देख भी नहीं पाएंगे, उनको मालूम भी नहीं होगा इसका। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ इसमें शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, मोस्ट ऑफ द बाइक्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द साइकिल्स में जो बेरिंग होते हैं, ठीक है, जो व्हील्स के अंदर बेरिंग होते हैं, वो होते हैं ओपन बॉल बेरिंग, ठीक है। उसमें नॉर्मल बॉल्स ही होती है, मेरे पास है अभी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐसी छोटी छोटी नॉर्मल सी बॉल्स होती हैं, सिंपल होता है, एक कोन होती है और एक कप होता है, उन दोनों के बीच में ये बॉल्स ग्रीस के साथ ये फंसी होती हैं और ये इन पे ही जो आपका व्हील है वो घूमता होता है। और जनरली क्या होता है, जो फ्रंट वाला व्हील है उसमें 10 गोलियां, जो पीछे वाला है उसमें 9 गोलियां होती हैं, और जो बहुत महंगे वाले थोड़े से साइकिल्स होते हैं उनमें आगे भी 9 होती हैं। आगे जनरली छोटी होती है, पीछे जनरली बड़ी होती है, बट जो अच्छे वाले साइकिल्स होते हैं उनमें आगे भी यही वाली होती है। तो ये मैंने आज तक जितने भी साइकिल सर्विस मैंने खुद किए हैं उसमें मैंने देखा हुआ है। तो जनरली होता क्या है, 10 गोलियां होती हैं, ठीक है, 9 गोलियां होती हैं, तो जो आपका जो वेट होता है, साइकिल का वेट होता है, वो ये बॉल्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। होती हुए जैसे ये बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं, स्टील की होती हैं, ये जल्दी टूटती नहीं है और वेयर आउट इतनी जल्दी नहीं होती। बट अगर आपका साइकिल में प्ले आ चुकी है, ठीक है, जो व्हील है उसमें प्ले आ चुकी है, तो ये बॉल टूट भी सकती हैं और ये बॉल वॉर्न आउट भी हो सकती हैं, यानी घिस सकती हैं, इन पे खड्डे आ सकते हैं, और अगर इन पे खड्डे आ गए तो जो आपकी व्हील का जो कप होता है उसमें भी खड्डे आ सकते हैं। तो ये वीडियो में मैं क्या दिखाने वाला हूं जो बाकी चैनल वाले नहीं दिखाएंगे। मेरे पास ये 4 बॉल्स हैं, ठीक है, इनमें खूब भर भर के खड्डे हैं। हुआ क्या था, मैंने एक साइकिल का व्हील सर्विस किया था, उसमें पीछे मैंने जब खोला उसमें सिर्फ 9 गोलियां थी, सॉरी सिर्फ 8 गोलियां थी। तो जो 9वीं गोली थी वो टूट फूट गई थी, पाउडर बन गया था उसका, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये 4 बॉल्स पे, ठीक है, ये 4 बॉल्स पे इन पे खूब सारे खड्डे बन गए। तो अब मेरे पास मोबाइल है, वैसे कैमरे भी मेरे पास मैक्रो लेंस है, बट मैं मोबाइल वाले मैक्रो लेंस को यूज करके आपको बेहद ही नजदीक से दिखाने की कोशिश करूंगा ये बॉल्स कैसी लगती हैं, इसमें खड्डे कैसे हैं। नॉर्मली तो अगर आप ये बॉल लोगे, बॉल बेरिंग, ठीक है, तो ये बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल गोल गोल, ठीक है, बिल्कुल साफ, चिकनी चिकनी चमकती हुई होंगी, बट ये वाली नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये बॉल्स कैसी लग रही हैं। सो दोस्तों, ये देख पा रहे हो जो ये वाली बॉल बेरिंग है, किधर गई, अरे किधर गई, हाँ ये रही, जो ये वाली बॉल बेरिंग है ये ऊपर से कितनी साफ लग रही है, कितनी स्मूथ लग रही है, ऑलमोस्ट ऐसी ही होती है न्यू वाली बॉल बेरिंग। बट इसको थोड़ा सा घुमा के देखता हूँ, ये खराब थी, हाँ देखा, ये जो खराब वाला हिस्सा है उस पर जाके टिकी हुई थी। अभी आप देख सकते हो कितनी ज्यादा ये खराब है, ये देखो कितनी ज़्यादा डैमेज है ये। मेरे को ये सन में शूट करना पड़ रहा है क्योंकि जो मैक्रो लेंस है वो उसका अपर्चर बहुत छोटा होता है और अंधेरा होता है, बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो देख सकते हो उसमें कितने ज़्यादा खड्डे हैं, जबकि इसको ऐसी स्मूथ होना चाहिए। दूसरी वाली देखते हैं, अब ये सेकेंड वाली है, ये देखो इस पर भी ऐसे खड्डे हैं। तीसरी देखते हैं, तीसरी वाली किधर, हाँ ये देखो इस पे भी ऐसे ही खड्डे हैं, और चौथी वाली पे भी ऐसे ही है। चौथी वाली मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा इस पे खड्डे हैं, ठीक है। तो अगर आपकी साइकिल में ऐसी रहेगी बॉल तो आपका जो हब होती है, हब की तो बैंड बजने वाली है, ज़्यादातर जो कोन होती है उसकी कोन पे ज़्यादा होता है, जो कप है कप में इतनी जल्दी नहीं लगता, बट अगर कप में लग गया तो व्हील पूरा चेंज करना पड़ेगा। अगर कोन पे लगा है तो आप सिर्फ एक्सल ढूंढ सकते हो, एक्सल अगर आपको न्यू मिल गया तो काम बन जाएगा।
बट अगर ऐसी बॉल्स हैं, इसलिए अगर आपके पास नॉर्मल सस्ता वाला साइकिल है, सस्ते मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा बट फिर भी अगर आपके पास यानी 20-25 हज़ार तक का साइकिल है तो उसको 2,000 किलोमीटर के बाद सर्विस करो, और अगर आपका साइकिल थोड़ा बढ़िया भी है तो 5,000 किलोमीटर तक चल सकता है, बट फिर भी रेगुलरली चेक करते रहो। अगर आपके व्हील्स में प्ले आ गई है और उसमें ऐसी बॉल बेयरिंग हुई तो बैंड बचने वाली है और खर्चा बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों मैक्रो व्यू में इतना ही। सो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी। आपने ऐसी टूटी फूटी खराब बॉल बेयरिंग शायद ही कभी देखी होगी और शायद ही कभी देखोगे अगर आप सर्विस नहीं करते। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी, ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर फर्स्ट टाइम आप मेरा चैनल देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। इससे मुझे भी मोटिवेशन भी मिलेगी और मैं और ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा और अच्छा कंटेंट सर्च करता रहूंगा। सो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी साइकिलिंग, बाय बाय।